देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। बेंगलुरु में गीता जयंती महोत्सव में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत के ज्ञान के भंडार को दुनिया ने स्वीकार किया और अपनाया। पटना में सरकारी अफसर के घर विजिलेंस की छापेमारी, करोड़ों रुपए की कैश और ज्वेलरी बरामद। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पद्म भूषण पुरस्कार से हुई सम्मानित, कहा जहां जाता हूं भारत मेरे साथ होता है। सिद्धू मूसेवाला हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, अदालत ने एनआईए रिमांड 4 दिन के लिए आगे बढ़ाए। मुंबई के मलाड में बहुमंजिला इमारत में आग, अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल पर लगी आग। सीएम अशोक गहलोत ने कोटा में मीडिया से बातचीत में केंद्र पर साधा निशाना, कहा आज देश में हालात खराब। सीकर के पिपराली रोड पर गैंग वॉर, हिस्ट्री शीटर राजू ठेठ सहित 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, वीर तेजा सेना ने बंद करवाया सीकर। कोटा में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का अधिवेशन, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शिरकत। जैसलमेर में सेना, वायुसेना और बीएसएफ का संयुक्त युद्धाभ्यास, फ्यूचर आर्मी तैयार करने के लिए की गई वॉर प्रैक्टिस। प्रतापगढ़ में मूकबधिर बालक ने की पिता की हत्या, पत्थर और लाठियों से पीट पीट कर ली जान। जैसलमेर में बुलेरो गाड़ी पलटने से बड़ा हादसा, करीब 12 मजदूर हुए जख्मी। श्रीगंगानगर में सिंचाई के पानी को लेकर हुई फायरिंग, फायरिंग में 2 लोग हुए जख्मी। श्रीगंगानगर के पीएनबी बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश, मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्य शुरू की मामले की जांच। झुंझुनू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डकैती की योजना बनाते 3 आरोपी गिरफ्तार, 6 पिस्तल बरामद। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, महिलाओं को नकली गहने बेचकर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार। झालावाड़ में लोडिंग गाड़ी में लगी आग, आग से सामान जलकर हुआ राख। जयपुर के चौमू में पुलिस पर पथराव, एक एएसआई और कांस्टेबल को लगी चोट। धौलपुर में बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग, पुलिस की ओर से फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। उदयपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टैक्सी ड्राइवर की हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। भीलवाड़ा की फुलियाकला में पेट्रोल डालकर युवक ने खुद को लगाई आग, घटना में बुरी तरह से झुलसा युवक। अलवर के बानसूर में स्कूटी को जीप ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार 2 महिलाओं की मौत। लालगढ़ में 9 वर्षीय बालिका की हत्या का प्रकरण, चौथे दिन भी नहीं हो पाया बालिका का अंतिम संस्कार। जयपुर के खोलेगे हनुमान जी मंदिर पर शुरू होगा रोपवे के निर्माण का काम, वैष्णो माता मंदिर तक जा सकेंगे श्रद्धालु। फायरमैन और एएफओ भर्ती का प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट का स्केड्यूल जारी, 12 से 28 दिसंबर तक होगी परीक्षा। अजमेर में सालाना उसकी तैयारियां जोरों पर, 18 या 19 जनवरी को होगा शुरू। जोधपुर में एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह की मूर्ति का हुआ अनावरण, न्यायाधीश पीएस भाटी सहित अन्य अधिकारीगण रहे उपस्थित। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित शतर लक्ष्य सेन को लेकर विवाद, उम्र में हेराफेरी करने का लगाया। बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर पहुंचे नाथद्वारा, विश्वास स्वरूपम प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम में देंगे प्रस्तुति। सिंगर सेवन बैन पहुंचे जोधपुर, निजी शादी समारोह में कार्यक्रम में देंगे प्रस्तुति। एसएस राजामौली को फिल्म आरआरआर के लिए मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कस अवार्ड में की सम्मानित। प्रायोजक है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।